वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, इसी के साथ में निफ्टी फिन की एक्सपायरी रहेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। पिछले चार पांच दिन से हॉलीडे पे था, आउट ऑफ स्टेट था तो वीडियो नहीं बना पाया, बट ट्रेड बीच बीच में ले रहा था। 18,460 का लेवल मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था, जहां से मार्केट ने जो गिरावट दिखाई पिछले चार दिनों में अभी तक वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। और नीचे का लेवल 18,000 राउंड नंबर जो सपोर्ट था, 18,200 टूटेगा तो एक सेलिंग आएगी, 18,200 के नीचे 18,050 18,000 सपोर्ट बनेगा। वहां से सपोर्ट लेके मार्केट दो दिन में वापस से 18,300 तक, ऑलरेडी 325 तक आ चुका है। तो लेवल काफी अच्छे से अभी भी काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे किसी एक तरफ मार्केट ब्रेक नहीं हो पाया। कल के लिए लेवल्स देख ले तो अभी 350 का लेवल ब्रेक होने के बाद अगेन 450 के टारगेट निकलेंगे। कैसे, 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। यहां पर देखो कल एक बुलिश मोमेंटम हमको मिली थी, परसों के दिन मतलब थर्सडे वेडनेसडे सेलिंग था, फ्राइडे एक बुलिश मोमेंटम हुआ, आज मंडे अगेन एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम देके मार्केट टोटली साइडवेज हुआ है। अभी राउंड नंबर कौन सा निकल के आ रहा है, 350 का लेवल मार्क करके रख लो। 18,350 ऊपर ब्रेक होगा, 350 के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो बुलिश हो जाएगा। 18,460 तक के टारगेट 100-125 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। 460 ब्रेक होता है, 18,500 तक के टारगेट आपको बाइंग साइड में दिखाई दे सकते हैं। मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, 350 को ऊपर ब्रेक करता है, तभी बाइंग साइड में जाना। अगर गैप अप में जा रहा है तो पहले वेट करना और वेट करके रीटेस्ट करके बाद में ऊपर जा रहा है तो रीटेस्ट करके बाय करना, अगर गैप अप आ रहा है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके नीचे निकल रहा है तो 250 से लेकर 350 की एक रेंज तो है, बट हम सेल तभी करेंगे जब 18,200 के नीचे निकले, 250 तक की, और 200 से 250 300 इस सारी एक सपोर्ट जोन होने वाला है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे निकला वापस ऊपर आ गया तो जब तक सेल नहीं करना है जब तक 18,200 मार्केट नीचे ब्रेक ना कर दे। निफ्टी 200 के नीचे ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज नीचे मिलता है 200-250 के आसपास कोई हैमर वगैरह देता है तो इन्हीं हैमर के आसपास बाय करेंगे, या फिर बीच में ही ओपन होके 350 को ऊपर क्रॉस करता है तो बाय करेंगे। सेल हम यहां पर नहीं करेंगे, सेल 18,200 के नीचे निकलने के बाद ही करेंगे, ये लेवल जब नीचे ब्रेक होते हैं तो। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कैसे ट्रेड करना है। 43,880 मतलब 43,900 के आसपास क्लोजिंग मिली है, 44,000 बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है ये, बट इन लेवल्स पे बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। यहाँ पर देखो पहले हमारे पास 43,500 का एक लो लगा था, उसके बाद में हमारे पास लो लगा 43,650 700 का, अभी 43,750 के आसपास लो लगा, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ऊपर से भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जितना अच्छा ये इस रेंज के अंदर होल्ड करेगा, जिस ट्रेड ब्रेकआउट देता है एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा, और अभी भी पैटर्न यही कह रहा है कि इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर ही मिलना चाहिए, ठीक है। बट इसकी आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, कहां पर ट्रेड करना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग देखिए, अगर ये कल ही इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करता है तो 44,000 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करने के बाद आप बाइंग साइड में जा सकते हो। पहला टारगेट तो आपका छोटा सा होना चाहिए 44,150 जो हाई लगा था, अगर 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है 44,000 के ऊपर 44,150 दिख जाएगा। 44,150 ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 44,350 तक का आपका निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 500 तक और बुलिश हो जाएंगे। नीचे सेलिंग साइड में कब जाएंगे, 43,680 के नीचे अगर ये क्रॉस करता है जो आज का लो लगा था 67680 का, जो लास्ट स्विंग था हमारे पास, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 43,650 मान लो 650 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो 43,500 तक पहले लेवल के लिए सेलिंग करेंगे इसको, 500 और नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर 43,250 तक की भी सेलिंग 43,500 के नीचे आपको दिखाई दे सकती है। सिंपल पैटर्न है, ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है, नीचे ब्रेक हो रहा है तो सेल करना, ऊपर ब्रेक हो रहा है तो बाय करना है। अगर गैप अप गैप डाउन में ये यहां पर इसको ब्रेक कर रहा है तो वेट करके रीटेस्ट होने का पूरा वेट करना है। चलिए निफ्टी फिन को देख लेते हैं, 19,350-380 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग मिली है, यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन है बट अभी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नीचे की तरफ ही एक मोमेंटम दिखाई दे रही है। आप देखोगे जो हाई पॉइंट है, जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ अच्छी है काफी, बट ये जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है सपोर्ट वाली, मार्केट इसके आसपास काफी होल्ड कर रहा है, तो जैसे अगर ये इसको नीचे ब्रेक कर देता है तो हमें यहां पर एक सेल ट्रेड मिल सकता है। कहां सेल कर सकते हैं, 19,300 के नीचे एक ब्रेकडाउन हमें इंट्राडे में देखने को मिलता है निफ्टी फिन में, 19,300 के नीचे तो आपको एक सेल ट्रेड मिल सकता है, 19,200 तक की सीधी मोमेंटम मिलेगी मेरे हिसाब से, 19,300-320 के नीचे निकलते 19,200 तक की एक मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। फ्लैट ओपनिंग देखिए अगर ऊपर निकलता है तो 19,450 क्रॉस होने, तो 450 के ऊपर 50 पॉइंट के लिए 500, अगले 50 पॉइंट के लिए, या फिर 19,450 के ऊपर 19,500 का आपका पहला टारगेट,
500 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 19600 तक के भी ये आपको बाइंग साइड के टारगेट दिखा सकता है, बट ये 450 के ऊपर कैंडल में निकलना चाहिए, उसी के बाद में आपको बाय ट्रेड देगा। नीचे जैसे मैंने आपको बताया 320-300 के नीचे निकलता है तो 19200 और 19200 ब्रेक होता है तो 19100 तक के भी सेलिंग टारगेट आपको निफ्टी फिन कल के दिन दिखा सकता है। रेंज क्या रहेगी हमारे पास निफ्टी फिन में, 19300 से लेकर 450 ये साइडवेज जोन है 150 पॉइंट का, जिसके बीच में एक्सपायरी वॉलिटाइल टू साइडवेज हो सकती है, जहां प्रीमियम डिके रहेगा वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना, 450 ब्रेक होता है तभी ट्रेड करना बाइंग साइड, या 300 नीचे ब्रेक होता है या 310 नीचे ब्रेक होता है वहीं पर आपको सेलिंग प्लान करनी है। अभी कल के लिए अगर स्टॉक्स देखें हम या मेजर स्टॉक्स का हम डिस्कशन करें तो पहला है हमारे पास HDFC बैंक, कोई खास मोमेंटम हमको यहां पर दिखी नहीं है, डेली कैंडल में आप देखोगे टोटली ऊपर जाके नीचे ही आया। मैंने आपको बोला था ये बड़ा HDFC बैंक में गैप डाउन है, इसके बाद में आपको बाइंग में नहीं जाना चाहिए, 1675-1680 से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ चुका है, 1625 के नीचे निकलता है 1625 के नीचे तो एक और सेलिंग बनेगी, जो पोजिशनली बाय करके बैठे 1620 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको अभी भी होल्ड कर सकते हो, 1620 नीचे टूटता है तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनेगी, वहां पर बायर्स वाले सारे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ICICI बैंक धीरे धीरे गैप अप देके स्लो मोमेंटम के साथ एक दो हाई और लगाया, बट कोई खास मोमेंटम है नहीं, अभी भी इसके अंदर वेट करो। यहां पर मैं कहूंगा जो ऑल टाइम हाई है ये वाला जो लेवल है 960 का लेवल, उसके ऊपर एक मोमेंटम मिलेगी, उससे पहले वेट करो, कुछ नहीं करना, 960 ब्रेक होगा तो आपको एक मोमेंटम मिल सकती है। एक्सिस बैंक देखो यहां से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया था, 900 के ऊपर हमने बाइंग प्लान की थी, 900 के ऊपर 928-930 तक के लेवल का हमको टारगेट मिला और 930 के आसपास ये वापस से साइडवेज हो चुका है। अभी 930 ब्रेक होता है तो 950 तक की एक मोमेंटम आपको मिल सकती है और नीचे की तरफ जब 900 नीचे ब्रेक होगा तो वापस सेलिंग साइड में जाएंगे, 930 के ऊपर हम इसमें बाइंग साइड में थोड़ा सा देख सकते हैं। कोटक बैंक भी आपको एक मोमेंटम कोई खास मिली नहीं है, ऊपर से 1975 से रिजेक्ट हो गया, अभी तक 2000 का लेवल टच नहीं हो पाया, मैं आपको बोला था इतने बड़े गैप अप के बाद में यहां पर बाय नहीं करेंगे और बाय करते भी हैं तो आप कहीं ना कहीं 2000 के ऊपर जब जाए तभी पोजिशनली बाइंग साइड में इसको जाना, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हो, दो बड़ी रेड कैंडल्स ने आपको ट्रैप भी किया है तो यहां पर कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल। 2000 का लेवल टच होने के बाद में एक्शन बनेगा कि 2000 के ऊपर निकलता तो बाय, 2000 पे रिजेक्ट करके गिरता है तो वहां पर सेलिंग प्लान रहेगा। रिलायंस 2455 के आसपास से गिरा है, 2400-2420 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर कल रिलायंस 2470 के ओपन इंट्राडे में निकलता है एक वापस से इंट्राडे बाय ट्रेड ले सकते हो, आपको 2500-2520 तक के टारगेट 2470 के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है TCS 3298, 3300 के आसपास तक की एक मोमेंटम है, 3315 के ऊपर निकलती है एक और बाय ट्रेड इसमें पकड़ो, 3315 के ऊपर एक और मोमेंटम मिलेगा, 3350-3380 तक की एक मोमेंटम आपको इंट्राडे में दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंफोसिस अभी तक एक मोमेंटम नहीं मिला, 1280 के ऊपर पहले बोल के गया था, कल परसों या आज में ही ये ट्रेड हिट हुआ है 1280 के ऊपर, आज 1295 के टारगेट आपको वन डे में दिखाई दिए हैं, जो एनालिसिस हमने ये इंफोसिस के लिए लास्ट वीक दो वीक पहले कंटिन्यू 10 दिन तक किया था 1280 के ऊपर, जब भी इंट्राडे में निकलेगा बाय करेंगे, आज ही ट्रेड मिल गया 1280 के ऊपर, 1295 टच हो गया, कल 1295 अगेन क्रॉस होगा, 1310 तक के टारगेट, 1310 के टारगेट और ओपन हो जाएंगे, इसके ऊपर 1295 इंट्राडे में ब्रेक होता है, वैसे तो 1280 पर उठाने वाला ट्रेड था, 1295 के ऊपर कल निकलता है 1310 तक के एक और टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC, देखो HDFC बैंक की तरह वीक है नो डाउट, 2690 के नीचे निकलता है तो और सेलिंग आ सकती है, बट यहां पर इसको सेल मत करो, 2690 के नीचे 2690 के नीचे आप इसको सस्टेन होने दो, उसके बाद में सेल करना, बाइंग वाले अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर कटवा लो, जो लोग पहले नीचे से लेके बैठे प्रॉफिट बुक कर लो, कब रिजेक्ट करके पूरा नीचे आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।